हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और अभी बज रहे हैं 12:30। हाँ, अभी बज रहे हैं 12:30। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और बहुत सारा काम है आज। कल ये मंडी गए थे, शुक्रवार की मंडी। तो हमारे यहाँ 2 दिन मंडी लगती है, शुक्रवार और संडे। तो मंडी का मतलब पालक, बथुआ, मेथी, मटर। तो मटर मैंने साफ़ कर लिया है और छिलका यहीं पड़ा हुआ है अभी। और बाकी का साग वगैरह अभी साफ़ करना बाकी है, वो नहीं किया है। तो पहले मैं बनाऊंगी लंच, और लंच में आज मैं बना रही हूँ निमोना चावल। जो भी यूपी के लोग होंगे उनको निमोना पता होगा। किसको किसको निमोना पता है बताइएगा ज़रूर। मेरे हस्बैंड को निमोना चावल बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊँगी, जैसे कि हमारे यहाँ हमारी मम्मी या मेरी सास या नानी दादी जैसे बनाती हैं वैसे ही। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। और किसको किसको निमोना चावल पसंद है ये भी बताइएगा। तो चलिए कर लेते हैं काम, और रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और रेसिपी वैसे भी एक और वीडियो की अलग से रेसिपी इसकी डाल रखी है, एक और वीडियो बना करके। तो उसका लिंक भी दे दूँगी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं निमोना। ये मटर साफ़ करके मैंने रखा हुआ है, अभी छिलका यहीं पड़ा हुआ है तो इसको भी हटाऊंगी। लेकिन पहले मैं निमोना छोंक देती हूँ, उसके बाद ये सब साफ़ सफाई का काम करूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें हम फ्राई करेंगे आलू गोभी। ये देखिए, देख सकते हैं ये जो गोभी है और आलू है अच्छे से फ्राई हो चुका है और गोभी कुक भी हो गई है। ये देखिए कट जा रही है। इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि बिल्कुल गल के और घुल मिल जाए निमोना में। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इस तेल में हम डाल देंगे जीरा, वही तेल है जिसमें हमने फ्राई किया था। आँच को थोड़ा बढ़ा लेंगे और डाल देंगे हींग, और इसके संग डाल देंगे ये 2 बड़ियाँ। अगर आपको बड़ियाँ नहीं पसंद है, या कोहड़ौरी या बड़ियाँ जो भी आप कहते हो नहीं पसंद है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या आपके पास नहीं है तो भी स्किप कर सकते हो। मैं डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। बड़ियाँ इसमें फ्राई हो चुकी हैं अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे मटर, और मटर डाल के हम ढक देंगे, क्योंकि मटर जो होती है ना वो छटकती है, तो इसे ढक देंगे हम अच्छे से। मटर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैंने डाला है धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो अलग अलग अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च और धनिया का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने एक साथ ही पीस के डाल दिया था। और ये भुन चुका है अच्छे से। इसमें अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये सारा प्रोसेस बहुत कम आंच पे करना है, नहीं तो आपके मसाले और मटर वगैरह जल जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसे भी हम भून देंगे। और इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ हमारे मसाले भुन चुके हैं, इसमें मैं डाल दूंगी पिसी हुई मटर। वैसे तो सिलबट्टे में पिसी हुई मटर का टेस्ट अलग ही आता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे मिक्सी में ही पीसा है। और इसे खूब अच्छे से चलाते हुए, ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। और जब आपका मटर भुन जाएगा तो तली में चिपकेगा नहीं और सब मटर अलग अलग हो जाएगा। इसका सारा मॉइस्चर मैंने निकाल दिया है भून के। और जब आप इसे भुनेंगे तो इसे छोड़ के बिल्कुल भी हटना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भुनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया था और डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो थोड़ा सा नमक मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने अभी आपके सामने डाला है। तो ये जो निमोना है ये उबलना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू और गोभी, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि आलू गोभी को हमने फ्राई किया है तो ये पका हुआ है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो थोड़ी देर इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे ढक के, और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। लंच तो तैयार हो गया था और यहाँ पे मैंने पपीता काटना शुरू कर दिया था। 2 प्लेट लगाई है मैंने, एक अंश के लिए, एक अंश के पापा के लिए, अपने लिए भी काटा था मैंने। तो अंश के पापा वाले प्लेट में मैं डाल दूँगी नमक, और ये नमक मैंने खुद ही बनाया है घर पर, बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें टूथपिक लगा दूंगी अंश, क्योंकि नमक वाला पपीता या नमक वाला कोई भी फ्रूट नहीं खाता है। तो बस आप भी आ जाइए, पपीता खा लीजिए।
चम्मच यहाँ, थोड़ा थोड़ा सो रहा है, थोड़ा थोड़ा जग रहा है। कल बाल कटवा लेना ना, ना। क्यों? न्यू ईयर पे कटवाऊंगा। न्यू ईयर पे कटवाऊंगा? आओ देखो तुम कितने मुआवजे। और जैकेट क्यों नहीं पहने हो? जैकेट क्या होती है? जो तुम्हारे बगल में रखी हुई है बहुत देर से। जब मेरे से डांट सुनते हो तो आके सो जाते हो? हम फर्क नहीं पड़ता, हम यहीं पे से ना। लो लो ठंडा मत लगाते हैं। लगाए हम आप ही गर्म कर लूंगा मुँह कंबल के अंदर मुँह डाल के। कंबल के अंदर जब डांट सुने तो आके सो क्यों गए? कुछ नहीं ऐसे ठंडा हाथ लगाइए आप। कल बाल कटवा लेना ना, ना। क्यों? न्यू ईयर पे कटवाऊंगा। न्यू ईयर पे कटवाऊंगा? आओ देखो तुम कितने मुआवजे। और जैकेट क्यों नहीं पहने हो? जैकेट क्या होती है? जो तुम्हारे बगल में रखी हुई है बहुत देर से। खाना बनाया था इनके लिए लेकिन ये बिना बताए बिना लंच किए जा चुके हैं कहीं बाहर, काम था इनको। मुझे ये नहीं लग रहा है कि चले गए, कोई बात नहीं गए, लेकिन कम से कम खाना खा के जाना चाहिए था। लंच पे ये होते नहीं हैं, तो जब भी दोपहर में घर होते तो मैं इनका फेवरेट लंच बनाती हूँ। तो चलिए बस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ही। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।